मंदसौर के श्रीजी नर्सिंग कॉलेज में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने किया हंगामा। छात्र छात्राओं को दी जा रही फर्जी रसीद फीस जमा करने के बाद मंदसौर शहर के श्रीजी नर्सिंग कॉलेज के छात्रों के साथ की जा रही धोखाधड़ी के खिलाफ एबीवीपी के छात्रों ने कॉलेज में हंगामा करते हुए धरना प्रदर्शन किया। ये पहला मामला नहीं है जब छात्रों ने कॉलेज प्रबंधक के खिलाफ मोर्चा खोला है। इससे पहले भी कई बार छात्रों ने प्रदर्शन कर अपने साथ हुई धोखाधड़ी के आरोप लगाए हैं। छात्रा रेणुका डांगी ने बताया कि उसने एक साल पहले श्रीजी नर्सिंग कॉलेज में पीएससी नर्सिंग में एडमिशन लिया था। उसने पूरे कोर्स की फीस 2 किस्तों में 1,05,000 रुपये जमा करवाई थी। कॉलेज प्रबंधन ने उसे रसीद के बदले एक कच्ची पर्ची दी। पक्की रसीद मांगने पर 2-3 दिन का बोला था, लेकिन अब तक रसीद नहीं दी। वहीं एक साल बीत जाने के बाद भी कॉलेज ने परीक्षा नहीं करवाई। अब कॉलेज छोड़ने पर प्रबंधन फीस वापस नहीं दे रहा है। वह 1 माह से कॉलेज के चक्कर लगा रही है। उसे रोज 1-2 दिन के बोलकर घुमाया जा रहा है। एबीवीपी छात्र नेता संजय डांगी ने बताया कि छात्रा को कॉलेज ने फर्जी रसीदें दी थी। अब कॉलेज उसकी बाकी फीस वापस नहीं कर रहा और छात्रा को भटका रहा है। यह अकेली छात्रा नहीं है जो कॉलेज के धोखाधड़ी का शिकार हुई है, ऐसे और भी कई छात्र हैं। बताया कि आज हमने धरना प्रदर्शन किया है, इसके बाद हमें 2 दिन का समय कॉलेज प्रबंधन ने दिया है। इसमें समस्या का समाधान करने के लिए कहा गया है। मामले में कॉलेज प्रिंसिपल राजेंद्र जोशी ने बताया कि छात्रों को हमने 2 दिन का समय दिया है, इसमें जो उनकी समस्या है उसका समाधान कर दिया जाएगा, एवं आरोप लगाया कि डायरेक्टर दीपक सैनी ने छात्रा के साथ दुर्व्यवहार किया एवं कार्यवाही की मांग को लेकर वाईडी नगर थाने पर छात्रा द्वारा आवेदन दिया गया है, पर पुलिस ने भी कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की है। और बताया गया कि मनमानी फीस वसूली जा रही है, जिसकी रसीद भी छात्र छात्राओं को फर्जी दी जा रही है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जिला संयोजक विजय गर्ग ने बताया कि मांगों का निराकरण नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। सुरक्षा व्यवस्था के तौर पर मुल्तानपुरा चौकी प्रभारी अभिषेक बोरासी, एएसआई प्रदीप कुमार मिश्रा व अन्य पुलिस जवान मौजूद थे। रेणुका डांगी जी, क्या परेशानी बताइए। सर, मैंने 2022-23 में श्रीजी कॉलेज में एडमिशन लिया था, मुझे फर्जी रसीद दी। तो सर, मैंने सर से बोला कि सर मेरे फर्जी रसीद है, मुझे असली दो। सर ने बोला कि कल आना, तुझे दे देंगे। तो सर, मैं दोबारा कॉलेज गई, मैंने सर से फर्जी रसीद मांगी तो सर ने बोला कि कहाँ जा रही है फर्जी रसीद, तो दे देंगे, कोई बात नहीं। थोड़े दिन बाद फिर मैंने फर्जी रसीद का जिक्र किया तो सर ने बोला कि बार बार परेशान क्यों कर रही है, बार बार परेशान किया तो तुझे टीसी देकर कॉलेज से निकाल देंगे, तुम्हारे पैसे भी नहीं देंगे और तुम्हारा भविष्य खराब हो जाएगा। तो सर, इसी तनाव के कारण मैं 3-4 दिन से कॉलेज नहीं आई। तो मेरे घर वाले ने मुझे ज़बरदस्ती कॉलेज भेजा, तो मेरे घर वालों ने कहा कि जा कॉलेज, तेरा भविष्य बिगड़ रहा है, कोई बात नहीं, अब क्या जो होगा देखा जाएगा। तो मैंने सर भी फर्जी रसीद लेकर प्रिंसिपल सर के ऑफिस में गई, तो प्रिंसिपल सर ने मुझे ऑफिस में नहीं आने दिया। मैं काफ़ी परेशान हो गई थी, तो मैंने सर से बोला सर मेरा एडमिशन निकाल दो, मुझे नहीं पढ़ना है, और मुझे मेरे डॉक्यूमेंट और मेरे पैसे वापस दे दो। तो सर ने बोला कि ठीक है, 3-4 दिन में आ जाना और तेरे पैसे और डॉक्यूमेंट लेना। तो सर, मैं फिर 1 महीने से मुझे कॉलेज के चक्कर कटवाए, ना ही मेरे डॉक्यूमेंट दिए और ना ही मेरे पैसे दिए। तो मैंने मेरे मामा जी से बोला कि मेरा वो डॉक्यूमेंट ने पैसे कोई नहीं दे, कुछ नहीं दे रहे, और मेरे एडमिशन दूसरी जगह करवाना है, क्या करूँ, मेरा भविष्य भी बिगड़ गया। तो सर, मेरे मामा जी आए, मेरे मामा जी ने बोला कि सर इसके 1 महीने से ये घूम रही है, बार बार कॉलेज नहीं आ सकती, तो इसके डॉक्यूमेंट पैसे अब दे दो, कितनी बार घुमाओगे इसे। तो सर ने बोला क्यों तेरा पर्दा लग गया क्या, अब ऐसे बदतमीजी की। और सर ने बोला कि हाईकोर्ट का निर्देश है कि 3 महीने से ज़्यादा अगर बच्चा पढ़ लेता तो उसकी फीस वापस नहीं मिलेगी। क्या कार्रवाई को लेकर थाने में आवेदन भी दिया? हाँ, वाईडी नगर में दिया था, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। किसके खिलाफ दिया आपने? डायरेक्टर सर। कौन है डायरेक्टर सर? वो यहीं नहीं है अभी। नाम क्या उनका? दीपक सैनी। कौन है यहाँ पे डायरेक्टर? हाँ, डायरेक्टर सर है। तो क्या सर, क्या नाम, क्या आपका? रेणुका डांगी। ठीक है, यहाँ पर आए, क्या प्रदर्शन है आपका? यहाँ की एक विद्यार्थी है बहन, उससे पहले तो इन्होंने फर्जी रसीद दी। जब उसने बोला कि आप हमें ओरिजिनल रसीद दीजिए, तो सर ने बोला कि हम 2-3 दिन में दे देंगे। वो बहन आती है तो उसके साथ ऐसा बर्ताव किया जाता है कि तेरे भविष्य के बिगाड़ देंगे, भविष्य के साथ खिलवाड़ मत कर, और उसको भगा दिया। तो उसी तनाव के कारण जब वो एडमिशन निकलाने आती है तो उसको ये फीस वापस नहीं करते और बोलते हैं कि हम फीस वापस नहीं देंगे, तुमने ये कॉलेज में पढ़ाई की इसका शुल्क लगेगा। तो इनके पास लिखित में है क्या कि कितना शुल्क है? और जब बच्चा पढ़ता है, जब एडमिशन निकलाता है, तो हाई कोर्ट के भी निर्देश से उसको फीस वापस देनी पड़ती है। तो ये सर किस बेस पे ये फीस वापस नहीं दे रहे हैं? तो इसके लिए हवाई एक आंदोलन कर रही है। अगर आंदोलन से कुछ नहीं होता है तो हम उग्र आंदोलन करेंगे और कॉलेज में ताले लगाएंगे। ठीक है।